दोस्तों यूसी टेक्निकल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रीस का कंपोजिशन के बारे में। ग्रीस में कौन सा इंग्रेडिएंट मिला हुआ रहता है, ग्रीस बनता कैसे है, इस वीडियो में आज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और समझेंगे। जैसे कि ग्रीस का यूज जो है एक आम साइकिल से लेकर बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का रोटरी इक्विपमेंट्स को लुब्रिकेशन करने के लिए ग्रीस का बहुत बड़ा रोल रहता है। दोस्तों ग्रीस को कंप्लीट बनने के लिए तीन चीज का जरूरत होता है। पहला हो गया बेसवेल, सेकंड में हो गया थिकनर एंड थर्ड में हो गया एडिटिव्स। तो ये तीनों चीज कैसे मिलता है, कितना परसेंट मिलता है और ये मिलने के बाद कैसे कंप्लीटली ग्रीस बनता है, इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ग्रीस? ग्रीस इज ए सेमी सॉलिड मटेरियल। एक ग्रीस ना तो लिक्विड है ना तो सॉलिड है, ये एक ठो सेमी सॉलिड मटेरियल है। इससे पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरा ये जो चैनल में मैं हर एक टाइप का टेक्निकल वीडियो एंड जॉब रिक्वायरमेंट रिलेटेड वीडियो मैं यहां लाता रहता हूं। तो यही सब इन्फॉर्मेशन वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में क्लिक करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि मेरा हर एक आने वाला वीडियो को आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं। ग्रीस बनने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो होता है दोस्तों, ये है बेस ऑयल। बेस ऑयल में मिनरल ऑयल ले सकते हैं या फिर सिंथेटिक ऑयल ले सकते हैं। ये बेस ऑयल का मेन रोल जो ये है, कोई भी इक्विपमेंट को हम लोग जब लुब्रिकेशन करते हैं तो वहां पर ये चिकनाहट क्रिएट करने के लिए ये ऑयल को हम लोग यूज करते हैं। तो बस ये बेस ऑयल का मेन रोल है कि चिकनाहट क्रिएट करेगा, ठीक है। और सेकंड में आता है थिकनर। थिकनर का काम क्या है ना, जब हम कोई भी इक्विपमेंट पे लुब्रिकेशन करते हैं तो वहां पर अगर ऑयल यूज करते हैं तो ऑयल वहां पर चिपक के नहीं रहता है। तो वहां पर जो लुब्रिकेशन करने के पकड़ के रखने के लिए जो हमको गाढ़ापन चाहिए, वो गाढ़ापन को हम लोग को क्रिएट करने के लिए हम लोग थिकनर यूज करते हैं। तो ये थिकनर क्या होता है ना, थिकनर सोप हो सकता है या फिर नॉन सोप हो सकता है। मैं यहाँ पर और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे चैनल में जो भी व्यूअर्स आते हैं उनमें से 92% दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों। तो उन्हीं लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में क्लिक करना मत भूले और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एक लाइक से मेरे को मोटिवेट बहुत मिलता है और वही एनर्जी से मैं आगे और अच्छा अच्छा वीडियो में लाने के लिए कोशिश करता हूं दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और तीसरा नंबर पे आता है एडिटिव्स। ये एडिटिव्स जो है दोस्तों, ये सबसे डिफरेंट है। ये जैसे कि बेस ऑयल और थिकनर, ये दोनों मिलने के बाद ये ग्रीस कंप्लीटली तैयार हो जाता है लुब्रिकेशन के लिए। और कंप्लीटली ये ग्रीस बनने के बाद दोस्तों, ये एडिटिव्स जो है ये इक्विपमेंट एंड लोकेशंस का हिसाब से इसको ऐड किया जाता है। जैसे कि कहीं कहीं पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट में ऑर्गेनिक ग्रीस यूज होता है, जैसे कि ज़्यादा बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में लिथियम बेस्ड ग्रीस यूज होता है। लिथियम बेस्ड ग्रीस क्या होता है ना दोस्तों, ये जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं और ये गुड वाटर रेसिस्टेंस कैपेसिटी इसका रहता है। और कैल्शियम बेस्ड ग्रीस जो है ये हाई टेम्परेचर एरिया के लिए है और इसमें भी दोस्तों वाटर रेसिस्टेंस कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है। और सोडियम बेस्ड ग्रीस क्या है दोस्तों, ये लो टेम्परेचर एंड गुड लुब्रिकेशन के लिए ये यूज होता है, ये नॉर्मल ग्रीस है। उसी हिसाब से सिलिकन बेस्ड ग्रीस भी जो आता है, ये हाई टेम्परेचर एरिया के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यही सब लोकेशंस एंड इक्विपमेंट का हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से ये एडिटिव्स को ऐड किया जाता है। तो ये कम्प्लीटली अगर कहना चाहेंगे दोस्तों, तो ये एक प्योरली केमिकल्स है जो कि एंटी वेयर एजेंट्स, कोरिजिन इनिवेटर्स, फ्रिक्शन मोडिफायर्स, एक्सटिंग प्रेशर एजेंट्स एंड विस्कोसिटी मोडिफायर्स, यही सब एडिटिव्स मिलने का बाद ये ग्रीस कम्प्लीटली बनता है, जो कि हर एक इक्विपमेंट एंड लोकेशंस का रिक्वायरमेंट का हिसाब से इसको ऐड किया जाता है। फाइनली मैं दोस्तों आप लोग को कम्प्लीटली मैं बता दिया हूँ, जैसे कि पहला नंबर पे बेस ऑयल है जो कि
70% से लेके 90% तक ये ऐड होता है। और सेकंड में दोस्तों थिकनर रहता है जो कि 10% से लेके 30% तक ये ऐड होता है। और थर्ड में दोस्तों एडिटिव्स जो है ये 1% से लेके 10% तक ये ऐड होता है। इतना ऐड होने का बाद ये ग्रीस कम्प्लीटली तैयार हो जाता है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर ग्रीस का बारे में जो भी बेसिक पॉइंट्स था मैं सब यहाँ पर बता दिया हूँ। अगर इसको डीपली डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं इसके लिए और एक थोड़ा नया वीडियो लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल में क्लिक करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।